हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आरडी बुटीक। आज के वीडियो में पान गले पर एक बहुत ही सिंपल डिज़ाइन देखेंगे जो दिखने में तो सिंपल होगा लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग होगा, बनाने में बेहद ही आसान है, इसलिए मैंने इसको सिंपल डिज़ाइन कहा। अभी देखना, सबसे पहले जो है हम गले का मार्किंग करेंगे। तो गले के लिए सबसे पहले 2.25 इंच का हम यहाँ पर लगाएंगे निशान। तो ये इस तरह से हम निशान लगाएंगे 2.25 इंच का। उसके बाद गले की गहराई ये लेना है 10 इंच का, ये इस तरह से। इसके बाद स्केल का यूज़ करना है। स्केल से यहाँ पर हम एक निशान लेंगे या फिर इंची टेप से ही यहाँ पर ले लेते हैं 3 इंच का एक निशान। अभी निशानों को मिलाना है, तो एक बार ऊपर से मिलाएंगे और एक बार नीचे से, ये ऐसे। फिर यहाँ पर हम देंगे पान गले का शेप। पान गला बनाने के लिए आप सभी जानते हैं कुछ इस तरीके से दिया जाता है शेप, ठीक है। अस्तर और कपड़ा दोनों हमने साथ में लिया हुआ है, नीचे का कपड़ा प्रिंटेड है। नीचे से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, ये कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखना, इस 1.5 इंच ऊपर वाले निशान से यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको राउंड करेंगे, तो ये नीचे भी राउंड शेप आएगा हल्का सा। तो चलिए करते हैं कटिंग। अब देखना, यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे और सीधा सीधा इसको पलटा लेना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमने कपड़े को ओपन किया। इसके ऊपर में अस्तर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसको सीधा पलटा लेंगे। तो नीचे की तरफ से भी पलटाएंगे और गले की तरफ से भी पलटाएंगे। तो दोनों पर सिलाई लगाते हैं और उसके बाद देखना ये पलटेगा कैसे जब दोनों तरफ से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई की शुरुआत करनी है गले से। यहाँ पर इस तरह से हम किनारे किनारे सिलाई लगाना चालू करेंगे। तो चलिए करते हैं ये सिलाई पूरी। इसके बाद देखना, इसको पलटाना नहीं है अभी, बिना पलटाए ही हम इसको अंदर तरफ से ही सिलाई लगाएंगे नीचे पलटाने के लिए। ये टेक्निक आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी नीचे वाले हिस्से पर हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऊपर सिलाई लगाते बने तो यहाँ पर आप सिलाई लगा सकते हैं, पूरा पूरा नहीं बनेगा लेकिन आधा हम यहाँ पर इस तरफ से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद बाकी उस तरफ से लगा लेंगे, क्योंकि पलटाने के लिए ये सिलाई ज़रूरी होती है, ज्वाइंट इससे दबता है। तो यहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक लगा लेते हैं। फिर यहाँ से धागा निकाल लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इस तरफ सिलाई चला लेंगे पलटा करके। देखना, ये इधर आ करके इस तरफ से सिलाई चला लेंगे, फिर ये जो है आसानी से आपका पलट जाएगा। तो ये हो गया, बस यहीं तक इसमें हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको अब चलिए पलटाते हैं।
तो ये देखिए पहले इस तरफ से पलटा लेते हैं। एक साइड से इसको खींचना है, ये जो कपड़े हैं यहाँ पर ऐसे डालेंगे और फिर एक साइड से खींच करके निकाल लेना है। तो हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, लेकिन पाइपिंग वगैरह से आप बच जाएंगे। पाइपिंग इसमें नहीं लगाना पड़ेगा और इस डिज़ाइन में आपको पाइपिंग लगाना भी नहीं है, क्योंकि इस डिज़ाइन का लुक बिना पाइपिंग के ही आएगा। तो ये इस तरह से हो गया, पूरा पलट गया है। और उसके बाद आप इसमें चाहो तो हल्का सा प्रेस लगा सकते हो, ठीक है। तो ये देखो प्रेस लगाने के बाद इस तरह से फिनिशिंग आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सभी किनारों पर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाना होगा। जैसे अस्तर और कपड़े को चिपकाने के लिए लगाते हैं, वैसे ही इसमें भी लगाना है चिपकाने के लिए। इसके बाद हमें पीछे पल्ले का डॉट लगाना है पहले, क्योंकि अभी हम इसमें एक पट्टी फिट करेंगे तो उससे पहले हमें डॉट लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये पीछे पल्ले का डॉट लगाना है, बिल्कुल बेसिक वर्क है, तो चलिए ये करते हैं अभी। तो ये देखिए डॉट लगाने के बाद अब बारी आती है इसमें पट्टी लगाने की। तो पट्टी के लिए पहले ध्यान देना, हमें ये गोल्डन कपड़ा यूज़ करना है, आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो। इसको आपको काटना है 2 इंच का या फिर 1.25 इंच का, ये आप अपने हिसाब से रखोगे जितना आपको चौड़ाई चाहिए। फिर क्या करना है, 2 फोल्ड करके किनारे से सिलाई कर देना है और उसके बाद इसको पलटा करके प्रेस कर लेना है। तो ये आपकी एक उरेब पट्टी, एक चौड़ी उरेब पट्टी तैयार होगी, 1.25 इंच चौड़ी। इसको आप इस तरह से यहाँ पर लगाओगे, थोड़ा गैप छोड़ करके लगा रहे हैं। अब चाहें तो बिल्कुल चिपका करके भी लगा सकते हैं। तो चलिए इन्हें करते हैं फिट अभी। ये हो गया। इसके बाद देखना नीचे वाले हिस्से पर भी हमें इसी पट्टी को फिट करना है, यही वजह है कि हमने इसको राउंड शेप में कटिंग किया। तो ये इस प्रकार से रखें और नीचे यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप छोड़ करके फिट करना है। तो चलिए इसको भी करते हैं पूरा फिट। तो ये देखिए, ये आपका इस तरीके से पट्टियाँ लगने के बाद डिज़ाइन आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सोवर ये डिज़ाइन है। चाहो तो ऊपर से इसमें लेस वर्क और कर सकते हो, पतला लेस अगर आप लगाना चाहो किनारे किनारे तो लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा ओवर लगेगा। तो ये इतने में ही अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना है, कुछ डिज़ाइन करना है, तो आप लोग कर सकते हो। मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रहेगा। इस तरह से कटिंग करो, ये डिज़ाइन बनाओ, बहुत ही बेस्ट डिज़ाइन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।